वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में। तो लीजिए दोस्तों, इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है और जैसा कि आप सभी ने अंदाजा लगाया था, जैसा कि सभी लोगों ने अंदाजा लगाया था कि केजीएफ चैप्टर 2 के लिए जो मेन विलन लिया गया है, यानी कि जिस एक्टर को अधीरा के रोल के लिए लिया गया है, वो है और कोई नहीं, बॉलीवुड के संजू बाबा। जी हाँ दोस्तों, संजय दत्त को अधीरा के रोल के लिए लिया गया है। तो आज के इस मौके पर सबसे पहले क्रेजी फॉर मूवी चैनल की तरफ से संजू बाबा यानी संजय दत्त को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और लीजिए दोस्तों, हाजिर है केजीएफ चैप्टर 2 के मेन विलन अधीरा का फर्स्ट लुक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से फर्स्ट लुक में सिर्फ उनकी आंखों को दिखाया गया है और सिर्फ उनकी आंखों से पता चल रहा है कि उनकी आंखों में कितना गुस्सा और कितना बदला भरा हुआ है। और जिस तरह से आप सभी को याद होगा, जिस तरह से बॉलीवुड फिल्म अग्निपथ में जितनी फिल्म में जान ऋतिक रोशन ने डाली थी, उतनी ही जान, उससे कहीं ज्यादा जान उस फिल्म में संजय दत्त की एक्टिंग ने डाली थी। और ये सब लोगों को पता है कि इस रोल के लिए इससे बेहतरीन एक्टर और कोई नहीं हो सकता था। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में अगर कोई बढ़िया एक्टर ऐसा लिया जा सकता था जो बराबर की टक्कर दे सकता है रॉकिंग स्टार यश जैसे कैरेक्टर को, तो वो और कोई नहीं, वो संजय दत्त ही था। और देख सकते हैं यहाँ पे पोस्टर में उनकी आंखों के साइड में कुछ संस्कृत के श्लोक या फिर कुछ तो लाइन लिखी हुई है। मैंने काफी ज्यादा गूगल किया, टाइम थोड़ा कम था तो इतना ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया। अगर उस श्लोक या फिर उस लाइन का कुछ मतलब बनता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं आपका कमेंट जरूर पिन करूंगा। और साथ ही साथ इस पोस्टर में आप देख सकते हैं जिस तरह से संजय दत्त खड़े अपना मुंह छुपाए, उनके पीछे कुछ लोग खड़े हैं, कुछ नहीं बहुत सारे लोग खड़े हैं। अब हो सकता है कि ये लोग संजय दत्त की कोई खुद की आर्मी हो, या फिर कहें अधीरा की कोई खुद की आर्मी हो, या फिर ये वो लोग हो जो फिल्म के अंत में रॉकिंग स्टार यश यानी कि रॉकी भाई का साथ देने लगते हैं। तो ये हो सकता है कि इनकी आड़ में संजय दत्त यहाँ पे खड़े हो, या फिर ये संजय दत्त की खुद की कोई आर्मी हो। तो दोस्तों, यहाँ पर फिल्म का जो फर्स्ट लुक आया है, फिल्म के विलन का जो फर्स्ट लुक आया है, वो सही में बहुत ही दमदार है। हाँ, ये मान सकते हैं कि काफी लोग को पहले से ही एक्सपेक्टेड था, पर इतना जो भी आया है, फिल्म का फर्स्ट लुक आना स्टार्ट हो चुका है, मतलब अब धीरे धीरे फिल्म से जुड़े और भी अपडेट्स आने लगेंगे आने वाले दिनों में। तो आपको फिल्म का ये पहला लुक कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, यहीं तक था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।